दो व्यंजकों की गुणा कैसे करते हैं। जैसे देखिए 3x-2 इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 4x+3, तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। पहले ये करना है तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करो पहले, तो ये हो गया 3 चौक 12। अब एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो कितना हो जाता है एक्स का स्क्वायर। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करा तो प्लस के चिन्ह आ गया 3 और 3 हो गया 9 और एक्स आ गया। अब -2 की भी ऐसे ही कर लीजिए, तो माइनस है तो माइनस 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 हो जाएगा यहाँ, और 2 चौक 8 हो गया और एक्स आ गया। और माइनस की गुना प्लस में करी तो माइनस हो गया और 2 3 6 आ गया। इस तरीके से आप दो व्यंजक हो जिसमें दो पद हो, उन पदों की भी आप आपस में गुणा कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपको समझनी यह है कि जैसे आप x की मल्टीप्लाई x में करते हो तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। और अगर आप x की मल्टीप्लाई x की पावर 2 में करते हो तो x की पावर 3 हो जाएगा। और सपोज कीजिए अब कि क्या लिखा हुआ है, सपोज करो लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है, और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है 3 गुना x लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है 4x की पावर 4 तो इसका मतलब है क्या लिखा हुआ है, 4x into x into x, ऐसे 4 बार x लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये इनके बीच में देखो आपको कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह होगा इनके बीच, ठीक है। आइए अब ये सब चीज सीखने के बाद अब आप आसानी से गुणा कर सकते हैं।